गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर टू का जो टॉपिक थे वो तो समाप्त हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आपके लेसन नंबर टू के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। जो तुम्हारे अंकित प्रश्न आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, हम केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक वीडियो के अंदर जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके जो नीट के अंदर है या फिर जेईई मेन या एडवांस के अंदर है उनका भी एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो देखो लेक्चर सीरीज की इस पार्ट के अंदर हम आपकी बुक के क्या करने वाले हैं, बहुचयनात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो टाइम बचेगा तो हम और भी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुचयनात्मक क्वेश्चन के बारे में रहेगा। बहुचयनात्मक क्वेश्चन की सीरीज आपको यहाँ दिखी देगी पूरी पूरी और मैं इधर आपका आंसर करवाऊंगा। ठीक है, फिर अगर जरूरत पड़ी मुझे कुछ लगा लघुगात्मक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे आपकी बुक के जो कुछ एग्जांपल रेज रखे हैं एक या दो रेयर केस में उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे और फिर आपके आंकिक प्रश्नों में चलते हुए इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुचयनात्मक का है वो आपको यहाँ सारे लिखे हुए मिलेंगे, मैं यहाँ पर बोल करके आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये कह रहा है एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है केंद्र पर, वो कह रहा है केंद्र से उसकी सतह के मध्य बिंदु पर, अगला है उसकी सतह पर और नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है उसके अनंत पर। ठीक है, तो एक अचालक गोला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है उसके सॉल्यूशन में देखें तो हमारे साथ क्या दे रखा है, एक अचालक गोला दे रखा है, अचालक गोला दे रखा है। तो अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, अधिकतम देखा जाए तो होता है फॉर्मूला k क्यूब आर स्क्वायर इंटू कितना होता है आर के, और जो कहाँ होती है ई सरफेस पर। सरफेस के बाद उसकी वैल्यू घटने लग जाती है, मतलब सरफेस का अगर अचालक गोले का ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमने पहले तीव्रता वितरण सूत्र में पढ़ा था, यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या रहती है कॉन्स्टेंट, उसके बाद अंदर तो समानुपातिक रूप से बढ़ती है और बाहर तो होती है के फॉर्म में घटती है। तो सरफेस पे इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व होता है निर्वात के अंदर। ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा आप देख लेना कौन सा सोचिएगा। तो अपने को क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व जो होता है वो यू वी होता है, यू वी बराबर होता है ऊर्जा बटे आयतन, और इसका मान हमने निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यह इसका तो मान था वो कितना था एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये कह रहे हैं पॉइंट एक मीटर ऊर्जा वाले घन के केंद्र पर एक माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है तो घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घन संबंधित जो प्रॉब्लम हमने करी थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर आपने वो नहीं देखी तो तुरंत पहले इससे पहले आप वो जाकर देखो ताकि जो कंसेप्ट है बेसिक वो समझ में आ जाए। और मैं कहता हूँ कि घन संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बहुत सारे कंपटीशन के अंदर आ रखी है। मैं आशा करता हूँ आपने पहले वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें उसके बाद इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्या दे रखा है गिवन के अंदर, गिवन में हमें दे रखा है पॉइंट एक मीटर का, मतलब भुजा दे रखी है जो हमने मान ली ए, वो दे रखा है टू मीटर। भुजा वाले घन के केंद्र पर कितना रखा गया है क्यू, जो दे रखा है वो कितना दे रखा है वन माइक्रोकूलम। अगर ये वन माइक्रोकूलम है तो मैं इसको ले सकता हूँ 10^-6 कूलम। ठीक है, अब कह रहे हैं घन के प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक तो हम पहले संपूर्ण घन से निकालेंगे तो संपूर्ण घन से निर्गत फलक कितना होगा, देखो संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स। तो देखो बेटा एक ये जो आवेश है वो कहां रखा गया है, घन के केंद्र पर, मतलब हमें उस आवेश को बाउंडेड करना पड़ेगा क्योंकि गॉस का नियम जब लगाते हैं तो गॉस का नियम लगाने से पहले हमें उस आवेश को बंद करना पड़ेगा। तो आवेश को बंद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, घन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो घन के सेंटर पर जब चार्ज रख दिया जाएगा तो आवेश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले संपूर्ण घन से निकालेंगे, संपूर्ण घन से रिलेटेड फ्लक्स, संपूर्ण घन से रिलेटेड फ्लक्स होता होगा समेशन क्यू, जो घन के अंदर इनसाइड चार्ज है वो कितना रहेगा एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू कितना है 10^-6
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू, एक बार के लिए इसको एप्सिलॉन नॉट ही रहना है, अभी हम उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब एक फलक से, तो एक फलक, एक फलक से निर्गत फ्लक्स वो कितना होगा आई वन फलक, वन फलक कितना होगा संपूर्ण घन, घन बट्टे में कितना हो जाएगा छठवां भाग, क्योंकि एक फलक जो है वो इस घन को मतलब उस आवेश को बंद करने के लिए अपना छठवां भाग योगदान कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1/6 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करते हैं 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग कर देते हैं। तो 4 पाई से गुणा कर दिया, 4 पाई से भाग कर दिया, तो देखो 6 ये रहा 10 की पावर माइनस 6 ये रहा और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो बन गया के, तो के को लिख देते हम क्या लिख सकते हैं 2/3 पाई और यह देगा 9 × 10^9 × 10^-6 और ये जो आएगा आंसर वोल्ट पर मीटर। इसको पूरा आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन हो गए, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। ये कह रहा है घन के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं दे रखा, देखो गिवन के अंदर दो द्विध्रुव दे रखे, पहले तो दो द्विध्रुव वो कहां रखे हैं कि घन के अंदर एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, इसका मतलब घन के अंदर एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, वैसे इसका कोई मीन्स नहीं डायग्राम बनाने का भी, आपको ऐसे समझ में आ जाता है। यहाँ पे एक रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, दूसरा डाइपोल का चार्ज ये रहा दूसरा डाइपोल का, इधर दे रखा है प्लस क्यू, इधर दे रखा है माइनस क्यू, इधर मैं लेते हैं कि ये दे रखा प्लस क्यू, इधर दे रखा है माइनस क्यू। फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए अपने पास कोई तीव्रता नहीं है और ना ही कुछ एरिया दे रखा है। अगर तीव्रता और एरिया दे रखा होता तो मैं क्या करता, हम इसको निकालने का प्रयास करते, बट अब जो निकालने का प्रयास होगा वो गॉस के नियम से होगा। तो गॉस के नियम से क्या होता है, समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, और मुझे पता है आवेशों को एक दूसरे से किया जाता है बीजगणित की विधि से किया जाता है। आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखो दो तो प्लस क्यू है और दो ही क्या है माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना है जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा शून्य, ये आपका आंसर है छोटा सा। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो सिंपल समझा देता हूँ। ये कह रहा है साबुन की बुलबुले को निर्देशित करने पर उसकी त्रिज्या में कमी होगी या बढ़ जाएगी या परिवर्तित रहेगी, जानकारी अपूर्ण है अतः कुछ नहीं कर सकते। तो देखो इसका आंसर जो है उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। आपको ये बस इतना ही कहा रखा है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर, तो अगर इसने ये नहीं कहा कि साबुन का बुलबुला पहले धनावेशित था, अगर पहले धनावेशित था अब आप ऋणावेशित कर रहे हो तो मैं कहूंगा त्रिज्या घटेगी, या पहले ऋणावेशित था अब ऋणावेशित कर रहे हो तो बढ़ेगी। परंतु हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में इतने बोला गया साबुन का बुलबुला, मतलब हम मान के चलेंगे उदासीन, अगर वो उदासीन है तो अब उसको ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। हमने पढ़ा है आवेशित बुलबुले का संतुलन के बारे में, उस चीज के बारे में। अगला हमारे पास कह रहा है एक गोले में प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो निर्गत फ्लक्स जो है वो हमारे पास कितना है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक गोला दे रखा है, यहां समझा देता हूं, गोला दे रखा है, ये मान लिया मैंने गोला, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा गया, चूंकि समेशन चार्ज बंद कर दिया तो समेशन क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट सी, ये कितना हो जाएगा संतुलन हो जाएगा। अब यदि इसकी त्रिज्या तो थी मैंने कितनी थी आर, अब कितना कर दिया मैंने आर बाई टू, ये बड़ा आर बाई टू, यहाँ पे चार्ज बढ़ा क्यू, तो इस स्थिति में भी कितना होगा समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस गोले से भी कितना फ्लक्स है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अर्थात मैंने पहले ही कह दिया था चार्ज बंद होने पर चाहे गोले की त्रिज्या 1000 गुनी हो चाहे गोले की त्रिज्या 0.1 गुनी हो, कितनी भी गुनी हो या कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा गोला हो, अगर चार्ज बंद हो चुका है तो उसके बाद निर्गत फ्लक्स के मान में उतना ही रहेगा, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, उसके साइज में डिपेंड नहीं करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एकांक धनावेश मतलब आपको जो चार्ज रखा है
वो प्लस का वन कूलम चार्ज दे रखा है। तो निर्गत फ्लक्स निकालना अपने को, निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम उस पॉजिटिव चार्ज को कैद करेंगे, तो कैद करने के लिए मैंने गोला बना दिया। अब ये चार्ज अगर बाउंडेड हो चुका है तो बाउंडेड होने पर गॉस का नियम अगर समेशन क्यू को लिखता रहेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा वन अपॉन में एप्सिलॉन, क्योंकि जो चार्ज अंदर है वो कितना है एक कूलम आवेश उपस्थित है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो चालक गोले दे रखे जिनकी त्रिज्या दे रखी है। दो चालक गोले गिवन में हमें क्या दे रखा है, दो चालक गोले, दो चालक गोले, पहला दे रखा आर ए, इसकी त्रिज्या दे रखी है ए, दूसरे की दे रखी है आर बी, इसकी त्रिज्या दे रखी है बी। दोनों का पृष्ठ आवेश समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है, तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। मतलब सिग्मा ए जो है वो कहता है सिग्मा बी के इक्वल है, तो इस स्थिति में टू फाइंड आउट में हमें क्या निकालना है, ई ए अपॉन ई बी का रेशियो निकालना है, कहां पर उसके सरफेस मतलब पृष्ठ पर निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो सरफेस से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता है, ई बराबर कितना होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, कह सकते हो या स्मॉल आर जो त्रिज्या होगी उसके अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर। और यहां मैं अगर देना चाहूँ तो कैपिटल आर लिख देता हूँ, उसको लिख देता हूँ कैपिटल आर बी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपको इस सूत्र को निकालने, इस सूत्र को लगाने के लिए आपको क्यू चाहिए, आर तो आपको पता है, बट सिग्मा पता होने से हमें क्या हो गया कि मैं कह देता हूँ क्यू ए जो है वो क्यू ए अपॉन में कितना देगा एरिया ऑफ गोला ए, तो मतलब देख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बराबर कितना होगा क्यू बी जो होगा एरिया ऑफ बी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए कितना है उसकी रेडियस की निकाल दे सकते हैं, 4 पाई ए का स्क्वेयर इजिकल टू ये कितना आएगा क्यू बी, ये आएगा 4 पाई बी का स्क्वेयर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्यू ए अपॉन में क्यू बी जो आएगा वो कितना आएगा ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। ठीक है, अब दो तीव्रता के लिए लगाने से, दो तीव्रता के लिए लगाना ई ए अपॉन में ई बी जो आएगा उसमें देखो बेटा चार्ज तो समानुपाती रूप में, इसका मतलब कितना आएगा क्यू ए अपॉन में क्यू बी का स्क्वेयर, ये व्युत्क्रमानुपाती तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने पर कितना हो जाएगा आर ए अपॉन में आर बी का होल स्क्वेयर। अब देखो बेटा जो आर ए आर बी और क्यू ए क्यू बी उसका मान लेते हैं, तो ई ए जो आएगा वो ई बी का रेशियो वो कितना देगा क्यू ए अपॉन क्यू बी, वो किसके बराबर है इसको पढ़ा दो क्यू ए क्यू बी। अब देखो बेटा आर ए आर बी का मान कितना ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर, ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर कितना है क्यू ए अपॉन क्यू बी, सॉरी 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 ये उल्टा हो गया, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे कितना आएगा ए, और तो यहाँ पे कितना देगा बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे कितना है क्यू ए अपॉन में क्यू बी मल्टीप्लाई में क्यू बी अपॉन में क्यू ए, कट जाएगा ऐसे सारे तो कितना आएगा एक अनुपात एक इसका आंसर आएगा, या आपके ऑप्शन में भी दे रखा। तो 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो चालक गोले दे रखे, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, दो चालक गोले दे रखे उनकी त्रिज्या दे रखी है। अभी वो चालक गोले थे मिटा दिया गलती से, चालक गोले दे रखे थे जिनकी त्रिज्या दे रखी थी आर ए दे रखी थी वो दे रखी थी ए, एंड आर बी दे रखी थी वो दे रखी थी बी। ठीक है, इन्हें समान विद्युत इन्हें समान आवेश से आवेशित किया जाता है, इस स्थिति में आवेश क्या है, आवेश समान है, तो इसका मतलब आवेश समान होने का मतलब मैं बोल सकता हूँ क्यू ए बराबर कितना है क्यू बी। तो क्या निकालना है, तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो गिवन तो मैंने रखा है टू फाइंड आउट में, देखो टू फाइंड आउट में क्या निकालना है इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब ई ए अपॉन में ई बी का मान मुझे कहाँ निकालना है इसके सरफेस पर फाइंड आउट करना है, और सरफेस पर तीव्रता तो होती है वो कितनी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
मान रखते हैं इसके अंदर। गोले ए के लिए जो मान आएगा वो कितना आएगा, के क्यू ए, इसको मैं क्यू ले लूंगा बेटा, दोनों बराबर है तो क्यू जाएगा, के क्यू ए पॉन में जाएगा ए स्क्वायर, अगर क्यू ए का मान रखे तो के क्यू पॉन में ए स्क्वायर, ये लो। क्यू बी देखा जाए तो कितना आएगा, के क्यू बी अपॉन में बी स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन में बी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दे तो के क्यू ए सॉरी ई अपॉन में ई बी करोगे कितना आ जाएगा, के क्यू और कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन में के क्यू बी स्क्वायर, क्योंकि कट देगा तो कितना आएगा बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर। ये आपको पहली कंडीशन के अंदर आपको पृष्ठ आवेश घनत्व समान दे रखा था और दूसरी कंडीशन के अंदर आपको आवेश समान दे रखा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे वाला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कह रहा है एक सीधे लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सब परिवर्तन का आरेख बनाना है। कुछ भी नहीं है, सीधे लंबे तार के कारण मैंने आपको तीव्रता वितरण वक्र पढ़ाया है, वहां पे आप वहां पे जाके देख लीजिए वरना समझो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, टू के लेमडा अपॉन में आर, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि ई जो है वो वन अपॉन आर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ई होगा यहाँ पे कितना होगा आर, ये हमारा ग्राफ रहेगा। बट इसका जो ग्राफ है वो कौन सा सही मान जाएगा, तो देखो इसमें सॉरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कह रहा है ई वन अपॉन आर के मध्य ग्राफ कितना होगा, ई वन अपॉन आर के मध्य, तो ई वन अपॉन आर के मध्य जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भविष्यनात्मक लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ये कह रहा है क्षैतिज समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग का तल, देखो सुनना इस चीज को, यह कह रहा है वर्ग का तल पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्ग के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यदि वर्ग की भुजा ए है तो हमें क्या निकालना है, ये क्या कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक वर्ग को इस प्रकार रखा गया है कि इस वर्ग का तल विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है, वर्ग का तल, वर्ग का तल का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया, मान के चलो ये एक स्क्वायर है, इस वर्ग के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वर्ग के तल पर तो खींची गई स्पर्श रेखा ही होगी, ये स्पर्श रेखा हमने खींची। मैं आपको डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, वर्ग के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारे पास वर्ग के तल पर खींची गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना कोण बन रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है वो क्षेत्रफल सदिश तीव्रता के मध्य कोण अभी नहीं बन रहा, क्योंकि जो तल के लंबवत जो रेखा होती है वो तो क्या कहलाती है क्षेत्रफल सदिश, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये डी ए इंटू एन कैप जो है वो ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मतलब हमें एंगल चाहिए ये वाला, बट ये एंगल हमें दे रखा है, कोई भी तल जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बनाता है 90, अगर 90 में से मैं हटा दूं तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसका मतलब ये कोण कितना है 60 डिग्री का। अब विद्युत क्षेत्र ई दे रखा है, इसकी भुजा की लंबाई, तो पहले देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल वो दे रखा है एरिया माने ए, तो कितना आ जाएगा भुजा इसके। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स फ्लक्स के सूत्र से वो कितना होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बोल सकते हो ई ए कॉस थीटा, अब यहां हमारा थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री, ई ए का मान कितना है भुजा स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है √3/2 ई ए स्क्वायर। इसी के साथ आपके बहुचयनात्मक जो प्रश्न थे वो सारे समाप्त हो चुके, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चनों के बारे में, अब हम आगे चलते हैं आपके अति लघुरात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन अति लघुरात्मक क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में,
ये कह रहा विद्युत क्षेत्र ई में रखें, किसी अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा। इसका मतलब एक विद्युत क्षेत्र ई है, उसके अंदर एक अल्पांश रखा गया, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा। तो आप एक बात सुनिए कि ये हमारा तरह पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र ई में रखे एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा। तो फाइव जो होता है हमारे पास वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, ई ए कॉस थीटा। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई, इसका मतलब ई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या दे रखा है, ई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो अपॉन में न्यूटन अपॉन में कूलम। किसी अल्पांश तो उसका मतलब अल्पांश का वॉल्यूम भी कितना दे रखा है, अगर डीए माने तो डीए के लिए फाइव भी कितना, ये भी कितना जीरो मीटर स्क्वायर, तो फिर जीरो कौन होगा, ये थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। अगला कह रहा है, एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बिंदु पर शून्य होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक समरूप आवेशित अचालक गोला, तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के कारण, तो देखो बेटा सरफेस पर जीरो होती नहीं, सरफेस पर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब हो सकता है उसकी इनसाइड जीरो या उसके आउटसाइड जीरो। तो सबसे पहले मैं इनसाइड और आउटसाइड का फॉर्मूला लिखना है, तो पहले मैं इनसाइड लिख देता हूँ। इनसाइड का तो फॉर्मूला होता है वो के क्यू अपॉन में कितना होता है, कैपिटल आर की क्यूब और स्मॉल आर, तो उसकी डिस्टेंस। अगर मैं स्मॉल आर बराबर जीरो रख दूं तो इसका मतलब कहां पहुंच रहा है, ये केंद्र पे पहुंच रहा है। केंद्र पर हमारे पास कितना होता है, ई केंद्र पे इंटेंसिटी निकाले तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर की क्यूब इंटू कितना देगा जीरो, तो कितना देगा जीरो न्यूटन अपॉन में कूलम। इसका मतलब तो केंद्र पे जीरो होती है। अब सरफेस के बाद आउटसाइड की बात करें तो ई आउटसाइड पे देखा जाए तो कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यदि स्मॉल आर बराबर कितना हो अनंत, तो वन अपॉन में आर बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो आउटसाइड पे क्या होती है बेटा, अनंत प्रतिकूलता कितनी होती है, जीरो होती है। अनंत प्रतिकूलता कितनी होती है, जीरो न्यूटन अपॉन में कूलम होती है। अगला हमारे पास कह रहा है, आवेशित अचालक गोले के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले विद्युत बल का सूत्र लिखिए, इसकी दिशा भी बताइए। इकाई क्षेत्रफल पर मतलब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई बल बोल सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल बोले तो प्रेशर निकालना, और प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह बोल सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत आवेश के कारण ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है। तो विद्युत आवेश के कारण ऊर्जा जो होती है उसके आयतन में संग्रहित होती है, जिसके कारण हमने ऊर्जा घनत्व का पद का उपयोग किया। अगला पांचवा क्वेश्चन देखो, एक डी व्यास के अचालक गोले, तो मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक डी व्यास का अचालक गोला दे रखा है। मैं इसको देखो मिटा रहा हूं चौथे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको दे रखा है डी व्यास का अचालक गोला, चालक गोला दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है कितना दे रखा है डी, तो डी व्यास दे रखा है तो देगा डी बाई टू, और पूछ रहा है इस पर क्यू आवेश है, तो ठीक है गोले पर आवेश होता है क्यू, तो कह रहा है आपको कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा जीरो, क्योंकि चालक गोले पर आवेश होता है उसके पृष्ठ पर क्या होता है वितरित होता है, अंदर तीव्रता कितनी होती है जीरो होती है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा हमारे पास हो गया, सॉरी ये पांचवा क्वेश्चन था, और जो विद्युत ऊर्जा आयतन वाला था ना वो आप छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि यदि कूलम के नियम वन अपॉन, यदि कूलम का नियम वन अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पर, आर स्क्वायर के स्थान पर वन अपॉन आर क्यूब हो जाए तो क्या गॉस का नियम सत्य होगा, नहीं। गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है, उन क्षेत्रों के लिए क्षेत्र की तीव्रता कह दो या क्षेत्र पर लगने वाला बल है वो क्या होना चाहिए, वन अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। जिस पे वन अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में ये बल होगा उसी क्षेत्र में गॉस का नियम अप्लीकेबल होगा, बाकी क्षेत्र में अप्लीकेबल नहीं होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, क्या कह रहा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश धनात्मक हो तो पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स की प्रकृति बताइए। तो आपको पता है कि जब गॉसियन पृष्ठ से अंदर परिबद्ध करने वाला चार्ज धनात्मक होगा तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा,
हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स। फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। मैंने कहा उसके एप्लीकेशन में बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में ई में स्थित किसी बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य है तो पृष्ठ के संदर्भ में आप क्या कह सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, बंद का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो क्लोज सर्फेस है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित है और वो क्या है, नेट फ्लक्स उसका जीरो है। तो उसका मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है, वो निकल रहा है। जितना एंटिंग फ्लक्स है उतना आउटगोइंग फ्लक्स होगा, तो नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखो गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये कह रहा है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो नेट आवेश शून्य है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, नहीं कभी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो अंदर नेट आवेश शून्य होने का मतलब तो यहाँ पे ये हो गया कि समेशन क्यू जो है वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, जीरो न्यूटन अपॉन कूलम। ये हमारे पास फाइनल है। पर फ्लक्स जो होता है वो रियल में क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ कुछ भी सकता है, हो सकता है ये जीरो हो सकता है, ये तो जीरो हम कह नहीं सकते, हो सकता है इसके बीच का तो कौन है वो भी क्या कर रहा, इसको जीरो कर रहा। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि जो चीज है वो ई ही जीरो होगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए उसके बारे में। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, रेखिक अंश घनत्व की व्यवस्था लैम्डा का परिवर्तन निकालनी है आपको, वो आप कर सकते हो आसानी से। अगला कह रहे हैं कि सिग्मा पृष्ठ आवेश वाली आवेशित परत के एक और दूसरी ओर आ जाने पर एक ओर से दूसरी ओर आने जाने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कितना परिवर्तन होगा। पहली बात, ये जो परत है वो क्या दे रखी है, अचानक। तो क्वेश्चन नंबर दो दे रखा है आपका, वो दे रखा है 11, शानदार क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक पृष्ठ आवेश सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली परत, पहली बात ये परत है ना, देखो कुछ भी नहीं कह रहा आकाश के अंदर कि पृष्ठ चालक है या कुचालक है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हमें क्या मानना पड़ेगा, कुचालक ही मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा हम क्या करना है, एक आवेश एक बिंदु से दूसरी ओर जाना, तो मैंने मान लिया यहां था, मैं यहां से मुझे क्या दे रहा है, इधर जाकर के इधर जाना है बिंदु। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, यहाँ पे इधर है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, ई वेक्टर बराबर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ, देखो बेटा इसको सही मान लेते, इसको मैं x मान लूँ, तो जो तीव्रता होगी पॉइंट ए पर वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और आई के। बिंदु बी पर देखा जाए, बिंदु बी इस तरफ है, बिंदु बी इस तरफ, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इस तरफ, ये इस तरफ क्या होता है, माइनस जे के। तो हमारे पास ये कितना देगा, बिंदु बी पर इलेक्ट्रिकल की इंटेंसिटी वो आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना देगा हमारे पास, माइनस का आई के। अब हमें क्या निकालना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है ई बी ई ए बी, ई ए बी कितना होगा, ई ए वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर। तो ई बी ई ए वेक्टर कितना है, ई ए वेक्टर है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आई के जोड़ने पर आ जाता कितना हो जाएगा, एक तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा, आई के। ये आपका आंसर आ चुका। अगला देखो हमारे पास देख क्या दे रखा है, ये 13वां क्वेश्चन कह रहे हैं, समरूप आवेशित आचालक गोले के कारण उसके केंद्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, जीरो। अभी हमने किया था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला कह रहे हैं, यदि क्यू आवेश को गोले के केंद्र पर स्थित है, अब यदि आवेश को समान रखते हुए आयतन के बेलन समान आयतन के बेलनाकार पृष्ठ को इसके अंदर स्थापित कर दिया जाए तो निर्गत पृष्ठ का अनुपात कितना होगा। मतलब कुछ नहीं है इसका, देखो यहाँ पर क्या किया इसने, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें जो है वो तंदीख नहीं देता, इसमें कह रहा है गोला दे रखा है, इस गोले के अंदर एक चार्ज रखा गया, ये लो। अभी इस गोले से फ्लक्स कितना होगा, फाई ई जो होगा, वो गोले की बात करें तो गोले के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समान आयतन के इसी चार्ज को बेलन के अंदर, तो समान आयतन का मैंने एक बेलन बना लिया और इस बेलन को रख दिया यहां सेम वॉल्यूम का, तो बेलन से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि बेलन ने चार्ज को बंद किया और बेलन अगर चार्ज को बंद किया तो बेलन के लिए भी फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, फाई
गोले के लिए प्लस फाइव, बेलन के लिए, दोनों के लिए कितना आएगा 1:1 आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, बस इतना ही दे रखा था क्वेश्चन के बारे में, बस इतना था। 12वां क्वेश्चन आपको ग्राफ का रिस्पेक्ट दे रखा, आप वो कर लेना। और इसके बाद आगे चले लघुरात्मक क्वेश्चन में, लघुरात्मक क्वेश्चन में भी आपको मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, पर एक क्वेश्चन तो है बहुत शानदार रखा है, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है जो आपको डेली लाइफ में काम आ सकता है। ये कह रहा है आप एक कार के कार में जा रहे हैं, बिजली गिरने वाली है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो कार में जा रहा है और बिजली गिरने वाली है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप कार के अंदर रहकर, कार के बाहर या रहकर के कुचालक जो सीट है या कुछ के जो नीचे वो बिछाने वाली मैटिंग है उसके ऊपर बैठा, क्योंकि आपको पता है जब बिजली कार के ऊपर गिरेगी तो जो कार है वो पूरी क्या होती है चालक से बनी हुई होती है, तो जो उसके ऊपर आवेश आएगा बिजली से वो सारा कहाँ जाएगा, उसके पृष्ठ पर आएगा, उसके अंदर भी तो विद्युत रहेगी, शून्य रहेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना जब आप कार में जा रहे हो, बिजली गिर रही है तो आपको कार से बाहर नहीं निकलना और कार के बाहर किसी चीज को छूना नहीं, क्योंकि बाहर चीज छूने पर आपको चार्ज जो है वो आपके अंदर आ सकता है, आप उस कार के अंदर रहिए, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे आज की, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज थी वो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज के अंदर हम आपके यहाँ के प्रश्न और एक उदाहरण जो बाकी दे रखा है वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।